हमने सुना है खुद भी बहुत अच्छी सिंगर है, आप गाती भी हैं, तो क्या ये सच है? कैसा लगा शहर की हम बात करें तो आपको कैसा लगा कोटा? मनारा चोपड़ा, शी इज वेरी प्रिटी, वेरी चार्मिंग, और आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं, आपको इंतजार नहीं कराते हैं, तो लीजिए हाजिर है वेरी ब्यूटीफुल वन एंड ओनली मनारा। सो मनारा, कैसा लग रहा है कोटा आकर? और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन, इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी, और मैं कोटा पहली बार आई हूँ शूट के लिए, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और जैसे आप देख सकते हैं मैंने राजस्थानी लुक, राजस्थानी लुक है, बट यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल राजस्थानी लुक। थैंक यू। राजस्थानी कल्चर की हम बात करें तो आपने पहले कभी ऐसा देखा है या एनी लाइक यू बीन टच विद राजस्थान पहले कभी कुछ ऐसा? सी ऑनेस्टली मैं जयपुर गई हूँ कई बार, बट राजस्थान इज द प्लेस व्हिच आई एम नॉट रियली एक्सप्लोर्ड, सो इट्स माय फर्स्ट टाइम। ओके, बहुत कुछ है, खुशी की बात है कि आप हमारे शहर कोटा आई हैं। तो अभी ये लोकेशन तो आपने देखी, कैसा लगा शहर की हम बात करें तो आपको कैसा लगा कोटा? बहुत ही सुंदर शहर है, एंड ऑफ कोर्स पीपल आर ड्रेस्ड वेरी कलरफुल, देखने को मिलता है। एंड रास्ते में आ रहे थे तो काफ़ी लोगों ने जैसे यू नो द ट्रेडिशनली दे वेयर टर्बन एंड ऊपर से साफा, हैव यू एवर हर्ड दिस साफा? साफा, या राजस्थानी साफा, आई हैव हर्ड दिस वर्ड, दिस धोती एंड ऑल दोस से। सो दे वर जस्ट, आई थिंक दे वर ट्राइबल्स और समथिंग, दे वर वॉकिंग ऑन द रोड एंड मे बी गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो सब देखा, और लेडीज ने भी सिर पे पल्ला लिया हुआ था, तो बहुत देखने में अमेजिंग रहता है, एंड आई थिंक रोड ट्रिप्स आर समथिंग टू लुक आउट फॉर। ये बहुत हिट मूवी रही है जिद, और आप तेलुगु मूवीज भी लगातार करें, तो मूवीज के बाद सॉन्ग में आना, ये कैसे आपने सोचा कि इसको करना चाहिए? एक्चुअली मैं बहुत टाइम तक गानों को अवॉइड कर रही थी, मुझे बहुत टाइम से ऑफर आ रहा था, लिटरली दो साल से एक्चुअली जब से ट्रेंड शुरू हुआ है, क्योंकि मुझे लगता था अरे गाने क्या कर रही है, और जब आप एक फिल्म करते हैं तो ऑलरेडी 4-5 गाने होते हैं उसमें, तो मुझे लगता था नहीं नहीं मुझे सिर्फ एक्टिंग पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, तो बट जब गजेंद्र का गाना आया तो मैं मना नहीं कर पाई, क्योंकि मैं काफ़ी उनके गाने सुनती थी, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, अरे एंड मुझे लिरिक्स बहुत अच्छे लगे, तो इस तरह से एक म्यूजिक लाइन में एंट्री हो गई। एंड मतलब ऑनेस्टली इतना एफर्ट नहीं लेती मैं म्यूजिक एल्बम्स के लिए, जो आ जाता है उसको फन में कर लेती। थोड़ा बहुत मैं गाती हूँ, पिछले साल इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस डालने से जब सब लोग एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे थे, तो मैंने अपने लिए एक एक्टिविटी सोची कि चलो मैं सिंगिंग घर पे करती हूँ, तो वीडियोस डालने लगी और लोगों को काफ़ी पसंद आने लगे, एंड देन जो आगे फिल्में या यू नो वेब प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ तो काफ़ी डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिलते थे, तो वो कहते थे कि तुम्हें यू नो ये एक टैलेंट है, तुम्हें एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड आई हैव लिटरली क्लोज टू 8 मिलियन फॉलोअर्स ऑन फेसबुक, तो उन्होंने बोला डालो वीडियोस, एंड फेसबुक पे भी बहुत अमेजिंग 3-4 मिलियन व्यूज आने लग गए, यू नो। सो देन अभी नॉट प्रोफेशनली आई स्टार्टेड, बट कुछ कवर गाए हैं ताकि देखूं कि आवाज़ कैसे आती है, यू नो आई गेट यूज टू हाउ टू सिंग ऑन अ माइक विद माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग स्टूडियो प्रोफेशनली। हाँ प्रोफेशनली, बिकॉज लाइव तो अलग होता है बट प्रोफेशनली बहुत डिफरेंट हो जाती है। आप तेलुगु मूवीज कर रहे हैं तो लाइक यू आर नॉट फ्रॉम दिस साउथ, तो कैसे मैनेज करते हैं, क्या रहता है? इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से नहीं है, वहाँ पर आप बहुत अच्छा आप कर रहे हैं और काफ़ी आपके फैन फॉलोइंग हम बात करें तो टचवुड यू आर डूइंग रियली वेरी वेल, तो कैसे मैनेज कर लेते हैं वहाँ की लैंग्वेज से लेके सारा सब कुछ करना? तो जो मैंने तेलुगु में फिल्म्स करी है वो काफ़ी मतलब बड़े बजट की फिल्में थी, तो उसमें जो डायरेक्टर होते हैं, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है, जो डायरेक्टर था मेरी जितनी भी फिल्मों के डायरेक्टर थे उनको बहुत स्पेसिफिक चाहिए था कि जो लड़की है वो प्रॉपरली उसका लिप सिंक आए, उसकी एक्टिंग प्रॉपर आए, तो आई थिंक मेरा सिलेक्शन हमेशा मेरे काम को देखते हुए हुआ है, एक्टिंग और परफॉर्मेंस को देखते हुए, तो जर्नी तेलुगु में भी बहुत अच्छी रही। हालांकि यू नो जब लोग तेलुगु में काम करते हैं तो हैदराबाद से बहुत फॉन्ड यू नो दे हैव अटैच्ड हो जाते हैं, बट मैंने लिटरली हैदराबाद सिर्फ अपनी प्रमोशंस की टाइम ही देखा, बिकॉज हमारे मोस्टली शूट्स ओवरसीज होते थे, कभी मैंने
अच्छे से हैदराबाद नहीं देखा तो बट इस लॉकडाउन के बाद मैं हैदराबाद गई थी और तब मुझे जाके पता चला कि अरे वाह ये बहुत अच्छी सिटी है. ओके ओके. तो क्या कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं, लाइक ऐसे जैसे जिम करना ये करना, लाइक यू यूज्ड टू बी या आई वाज ऑन द हेवियर साइड आई थिंक दैट्स व्हाट इट वाज लाइक. तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करती हूँ एंड मतलब स्ट्रिक्ट डाइट पे भी रहती हैं. स्ट्रिक्ट डाइट पे उतना नहीं रहती बट देन इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ कि मतलब दिन में 8 घंटे खाऊँ तो और बाकी घंटे ना खाए. जस्ट आई ट्राई टू डू दैट. ऑयली फूड मुझे लगता है आप बिल्कुल नहीं लेते हैं. और पर्टिकुलरली राजस्थान की हम बात करें, कोटा की बात करें, हम लाइक वी यूज्ड टू ईट वेरी ऑयली का टाइप ऑफ. ओह रियली. ये आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, कोटा की स्पेशली जो जनता है. टू ऑल द व्यूअर्स वॉचिंग मी हेयर ऑन लाइव, so keep loving me, keep supporting me and I hope to entertain you and visit Kota again. बहुत सारी बातें कर ली हैं अभी. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. और हम ये चाहते हैं कि हमारे चैनल को भी देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. कंटिन्यू हम आपको दिखाते रहेंगे कुछ और भी बातें. टिल देन गुड बाय. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.